जिलाधिकारी विमला आर ने कहा कि जिले में कोविड संक्रमण की हालात नियंत्रण में है, लेकिन तीसरी लहर की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके मद्देनजर प्रशासन ने तैयारी कर रखी है। इसका असर छोटे बच्चों पर होने की आशंका है। इसको देखते हुए जिले के सरकारी से लेकर निजी अस्पतालों के 10% बेड बच्चों के लिए आरक्षित की जाएगी। सभी ऑक्सीजन की सुविधा से युक्त बेड होंगे। वे प्रेस क्लब में आयोजित मीट द प्रेस कार्यक्रम में बोल रही थी। वैक्सीनेशन को लेकर हुए सवाल पर उन्होंने कहा कि जिले के 58% नागरिकों ने वैक्सीनेशन का पहला डोज ले लिया है, 20% ने दूसरा डोज लिया है। ग्रामीण क्षेत्र में दूसरा डोज लेने वालों की संख्या कम है। इसकी मुख्य वजह पहले और दूसरे डोज के बीच 84 दिनों का अंतर है। बहरहाल प्रशासन ने दूसरा डोज देने की तैयारी कर रखी है। औद्योगिक संगठनों से चर्चा कर उन्हें कर्मियों को वैक्सीन लगवाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि निजी अस्पतालों को 25% का कोटा मिल रहा है। ऐसे में जिन नागरिकों की क्षमता है उन्हें निजी अस्पतालों से वैक्सीन लेनी चाहिए। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए तहसील स्तर में भी ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने का प्रयास हो रहा है। इसी प्रकार रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शनों की कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए मशीनरी को तैयार रखा गया है। डेंगू जैसी बीमारी के बढ़ने पर उन्होंने नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है। बहुत अच्छा लग रहा है, खूब छान वाटर पैकिंग सगळ्यांशी पहिल्यांदा तशी मी इंटरॅक्शन करण्यासाठी आमचे रिअल सभांना सांगितलं होतं आणि आय मेट क्वाईट अ फ्यू ऑफ यू देअर। तेव्हा जस्ट मी जॉईन झाले होते, आय वॉज लाईक काइंड ऑफ सेटलिंग डाऊन अँड देअर वर लॉट ऑफ थिंग्स इन माय माइंड। इनिशियल जे असतात की म्हणजे आपण जॉईन होत आहे तर क्या हो सकता है, कैसे रहेगा। हालांकि जब मैं नागपुर सेशन में आती थी यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगता था। द वेदर यूज टू बी गुड एंड द पीपल वर ऑल्सो वेरी हेल्पफुल व्हेन आई यूज्ड टू स्टे हियर। द डिपार्टमेंट फॉर विच आई वॉज वर्किंग वॉज ऑल्सो वेरी नाइस। मैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमें योजना के लिए काम करती थी उस समय, और उसके माध्यम से जो जो काम यहाँ चल रहे थे वेदर एक वॉज इन कोटिया गढ़चिरौली, जब जाना होता था आती थी तो प्रावती अच्छा लगता था कि वेयर्स कैसे बन रही हैं। कैमरा पर्सन माइकल के साथ अभिषेक पांसे, BCN न्यूज़ नागपुर।